अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर लोगो डिज़ाइन दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को हमने फटाफट से बिना किसी देर के साथ ही शुरू करा है, तो लोगो को भी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, बट उससे पहले आपको यहाँ पर एक स्क्रीन शॉट दिखेगा। और ये क्यों दिखेगा आपको, क्योंकि दो सब्सक्राइबर मैंने इनको दिए हैं और ये दो सब्सक्राइबर आपको चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो फुल वॉच कर कर एक कमेंट कर देना हमारे लिए, ताकि हम आपको दो सब्सक्राइबर देने के लिए आसानी हो सके। तो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में मैं छोटी सी जो मेरी वीडियोस चली होती है कोने पे, और वो आज मैं नहीं लाऊंगा, तो ये मतलब एडजस्टमेंट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी सी और आप सीख ही जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला है। ठीक है, तो आइए फटाफट से अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको सिखाने स्टार्ट करते हैं किस टाइप का हमारा लोगो है। तो हाय गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना लोगो डिज़ाइन स्टार्ट कर रहा हूँ बनाना। तो टाइप सबसे पहले मैं अपना कर लूँगा कोई नाम, या फिर कैप्स लॉक मैं ऑन कर लेता हूँ अपना, जैसे मैंने लिख दिया है शायान, एंड नीचे लिख देता हूँ शम्स, क्योंकि मेरा अबू का नाम शम्स है, या फिर उद्दीन लिख देता हूँ। उद्दीन मेरा नाम के साथ मैच होता है ना, शायान उद्दीन, शम्स उद्दीन एंड शायान उद्दीन। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको जाऊँगा क्या, इसको साइज़ बढ़ा दूँगा शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ, एंड इसको यहाँ बीच में रख दिया मैंने। यहाँ से करेक्टर पैनल के लगाया और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जैसे XO, तो X के सारे फाउंड आ जाएंगे। अगर मैं O क्लिक करूँगा तो O के आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो मर्ज़ी चाहे वो यहाँ से फाउंड एडजस्ट कर लिएगा। और मैंने जैसे कि ये ले लिया है, ठीक है, ये ले लिया है मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसके अंदर, मैं सबसे पहले आपको इस वाले के अंदर जाऊँगा, करेक्टर पैनल के अंदर सेलेक्ट करा मैंने इसको, इस तरीके से सिलेक्ट होता है। ठीक है, ये बाहर यहाँ पर आप इस वाले, ये पूरा एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना, इसको मैंने एक तरह लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से आप कलेक्टर पैनल के ना जाए, आपको देखना है कि ये एडजस्ट, या फिर यहाँ से आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा गैप इसका कम कर लें, जैसे मैंने इसका गैप इतना कर दिया है। और मैं इसको अब थोड़ा सा छोटा करना चाह रहा हूँ, और ये मैंने इसको छोटा भी कर लिया है, और यहाँ से देखें ये छोटा, दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने इसको अलाइन कर दिया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मेरा बन चुका है। अब मैं नीचे वाले को चाह रहा हूँ कि नीचे वाले को भी थोड़ा सा इस तरह का ही सेट कर दूँ, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, दोबारा करेक्टर पैनल के लिए जाऊँगा एंड यहाँ से इसके लिए थोड़ा सा कम वाले ले लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और 25 पे ले आते हैं। ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं एंड अब बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, अब मुझे जाना होगा यहाँ से एलिप्स टूल के अंदर, एंड एलिप्स टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का एक बना लिया है एलिप्स। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किस तरह का एक बना लिया है एलिप्स। और मैं इसको चाहूँगा कि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रोक कलर ही लाया अभी, और यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, अपॉन 4 रख दिया जैसे मैंने, और मैंने इसको बढ़ा दिया इतना, एंड यहाँ से भी थोड़ा सा। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन तो बना दिया है, बट ये आपको कुछ और लग रहा होगा क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर अभी चेंजिंग करी नहीं है, कि अभी चेंजिंग और होंगी इसके अंदर। ये बनाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ़ क्लिक करके कॉपी ले लूँगा, वरना फिर यहाँ से आप ऑब्जेक्ट यहाँ से एडिट के ना जाएँ, कॉपी कर लें इसकी, किसकी, इसकी कॉपी कर लूँगा। ठीक है ना, दोबारा जाए एडिट के अंदर एंड पेस्ट कर लें। अब क्या हो गया, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का इसने बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा बाहर ले जाना है और इसको थोड़ा सा मुझे कर लेना है छोटा, ऑल्ट के साथ कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने इसको छोटा कर लिया है कुछ इस तरह से। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और बाहर ले जाता हूँ ताकि और सही हो जाइए। गाइस इतना बहुत है, ये इन दोनों के करीब भी हो जाएगा इस तरह से, तो मैंने इसको थोड़ा सा और करीब कर लिया है एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और दूर ले गया हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है इन दोनों को एंड शेप बिल्डर टूल के अंदर जाना है, और यहाँ से मुझे कलर इसके अंदर चॉइस कर लेना कोई भी, जैसे मैंने ये ले लिया है। एंड कैप्स लॉक मैंने इस तरह से ऑन करा हुआ, तब इसके अंदर एक प्लस का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कभी यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का निशान नहीं नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये वाला कलर यहाँ से ऐड कर लिया था एंड यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक कलर नन करना चाह रहा हूँ एंड यहाँ पर मैं इसके अंदर ये कलर देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने ये कलर इसके अंदर अप्लाई कर दिया है, और ये जो हमारा बाहर का जो बचा हुआ है इसके अंदर हम जाके इसको कर देंगे डिलीट, एंड ये हो चुका है हमारा भी डिलीट। ठीक है, तो गाइस ये देखिए हमारा ये लोगो जो है यहाँ तक का रेडी हो चुका है, और ये आपको उम्मीद अच्छा लग रहा होगा। अगर आप चाहें तो इस टैक्स के अंदर भी आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं, क्या चेंजिंग कर सकते हैं ये अभी मैं आपको बता देता हूँ।
कि आप पहले इसको डिलीट करना, सॉरी इसको नहीं करना था क्योंकि वो टैक्स भी सिलेक्ट हो गया था, ठीक है ना। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है एंड इन दोनों को मैंने सिलेक्ट करा है। इसको सबसे पहले तो आप कर लें क्रिएट आउटलाइन के अंदर, ठीक है। जब तक आप क्रिएट आउटलाइन के अंदर इसको नहीं करेंगे तो इसके अंदर आप वो कलर एड कलर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे वो ग्रेडियन हो, चाहे वो सिंपल कलर हो, चाहे वो एनी वेज जो भी कोई कलर हो, ठीक है। तो मैंने इसको क्रिएट आउटलाइन के अंदर कर दिया है एंड यहाँ से ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये हिले भी ना, ठीक है। तो अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। इसके बाद क्या करना था, मुझे यहाँ से जाना था ग्रेडियंट पैनल के अंदर एंड मुझे इसको अप्लाई करना है ग्रेडियंट, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो मैंने कल NST का जो लोगो बनाया था उसके अंदर कुछ मैंने इस तरह का डिज़ाइन बनाया था, मतलब NST का लोगो बनाया था और उसके अंदर मैंने कलर कुछ इस तरह का दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हो सका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक डाल दूंगा वीडियोज़ का, तो वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, क्या पता आपके वो काम आ जाए, यूज़फुल हो जाए आपकी, तो वो लास्ट भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का ये बना तो दिया है, बट अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है, ठीक है। एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा और छोटा कर लिया एंड इसको मैं थोड़ा सा ले आया हूँ अंदर की तरफ, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करूँगा एंड ये पूरा मेरे को मिल जाएगा। एंड अगर मैं अभी इसके अंदर चाहूँ तो इसके अंदर अभी भी चेंज कर सकता हूँ, अभी ये अलग अलग हो गए हैं सारे। तो अब मैं इसको अगर चाहूँ तो इसके अंदर छोटा भी कर सकता हूँ, बट मुझे छोटा नहीं करना है। तो लेयर से बाहर आ जाता हूँ मैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह का लोगो जो है रेडी हो चुका है। बट अब मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा छोटा करना, तो ऑल्ट के साथ अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक हमारा लोगो जो है रेडी हो चुका है। इसके बाद हम क्या करना था, हमें इसके बाद करना है एक छोटा सा इसके अंदर एरो डालना होगा यहाँ की साइड पर, ठीक है। तो यहाँ की साइड पर डालना होगा, यहाँ पर किस तरह से डालेंगे, आप पेन टूल ले लें यहाँ से, थोड़ा सा यहाँ से ले लें, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ मैं इस तरह का डिज़ाइन तो बना रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप भी करें यार हमारे लिए कुछ ना कुछ, बस चैनल को सब्सक्राइब करना के कहते हैं वो भी आप नहीं करते हैं, तो कर दिया करें यार, क्या बता आपको, ठीक है। गाइस यहाँ तक हमने ये लोगो जो है ये रेडी करके रख लिया है। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है एंड इस पहले एक काम कर लेते हैं कि इसका जो हमने साइज़ है ये बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इस तरीके से हम इसको बढ़ा देंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, आप ये दोबारा से बना ले, ठीक है, यहाँ से ये मैंने कुछ इस तरह का बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ करना पड़ेगा आपको, लाजमी है। अगर नहीं हो ऑल्ट के साथ तो शिफ्ट के साथ ही कर सकते हैं आप। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है एंड जाना है आपको शेप बिल्डर टूल के अंदर एंड यहाँ से आपको कर देना है माइनस, ठीक है। ऑल्ट के साथ आप माइनस कर दें तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस टाइप का ये जो हमारा लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। बट अब आप इसके अंदर देखें कि ये किस तरह का चेंज होना मुनासिब समझ रहा है, ठीक है। तो गाइस बताएं किस तरह का आपको लोगो लग रहा है हमारा, और पसंद आ रहा है तो जल्दी बताएं किस तरह का लग रहा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट बारी आती है कि हम इसके अंदर क्या यहाँ पर कुछ लगाना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगाना चाह रहे हैं, क्या लगाना चाह रहे हैं, ये हम बनाना चाह रहे हैं इस तरह का, ठीक है। ये हम इस तरह का बना रहे हैं, ये हमने कुछ इस तरह का बना तो दिया है। बट अब हम इसकी एक ले लेंगे कॉपी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके, या फिर यहाँ पे जाके आप एडिट के ना जाके यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। बट मैंने ले ली है तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करवा लेता हूँ कुछ इस तरीके से एंड इसको मैं थोड़ा सा साइज़ चेंज करके, मतलब छोटा कर देता हूँ इसका साइज़ एंड इसको मैं रखता हूँ इसके नीचे और इसको करता हूँ थोड़ा सा रोटेट। तो गाइस ये मैंने इसको इस तरह से नीचे भी रख दिया है, बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बता दिया कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमारे को इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह का इसको स्टाइल दे दिया है, बट अगर आप और चाहें इसके अंदर और चेंजिंग कर सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पर अगर आप चाहें जैसे मैंने ये दिया है तो आप यहाँ पर भी इस तरह का दे सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अब हम देते हैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज, क्या चेंज है इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पे हमने ये बना दिया, ठीक है। तो गाइस हमने ये बना दिया, अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने एंड शेप बिल्डर टूल ले लिया एंड यहाँ पर मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं अब ये कुछ इसने इस तरह का बना के दे दिया है। और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा एंड इसको और छोटा करूँगा ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, बल्कि बहुत ही छोटा हो गया है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं
एंड ये हो चुका है हमारा बड़ा, एंड ये देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ लॉक कंट्रोल टू करके, बाकी सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए क्लिक करके, एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा शिफ्ट एंड कंट्रोल के हिसाब से, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा बाहर की साइड भी ले आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस ऑल्ट एंड कंट्रोल क्लिक करके मैं अनलॉक कर लूँगा, एंड अब ये मेरा पूरा लोगो जो है ये रेडी हो चुका है। कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल टू मैंने क्लिक कर दिया था, कंट्रोल ए क्लिक करके मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेता हूँ इस तरह से कुछ जैसे मैंने बढ़ा लिया है। एंड अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर रख देते हैं कुछ इस तरह से, और इसको कर लेता हूँ ग्रुप कंट्रोल जी करके, ठीक है। ग्रुप करने से क्या होता है, ये एक तरह से ग्रुप हो जाता है और इसको आप फिर चेंज भी कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो गाइस ये जो आपको हमारी छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये स्क्रीन आपको क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि मैं अपनी फेस स्क्रीन नहीं लगा रहा था, तो मैंने इस तरह की ये वाली फेस स्क्रीन लगा दी है, मतलब हेडफोन स्क्रीन लगा दी है। ये वीडियो ही रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर मेरा आपको हाथ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ इस तरह का बना लिया है। इसके बाद मैं अब चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड दें, इसका बैकग्राउंड दे देंगे हम यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड डाल देते हैं कुछ इस तरीके से है। देखें ये मैंने डाल दिया इस टाइप का, एंड इसका कलर हमें चेंज करना होगा तभी हमारा वो प्रोजेक्ट जो है दिखेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं जैसे लाइट कलर रख देते हैं, ठीक है। दोनों में तकरीबन हमने लाइट एक मिनट डार्क रख दिया है, एंड इसको सिलेक्ट करके, सॉरी इसको सेलेक्ट करके मैं ले आता हूँ यहाँ पर, एंड इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट करके सेंड टू फ्रंट, कंट्रोल ज़ीरो क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का दे देगा। लेकिन एक काम आप करें कि इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा और चेंज करें, ठीक है ना। बैकग्राउंड का कलर चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, बैकग्राउंड का कलर चेंज करें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, ठीक है। जैसे कि ये लग रहा है अच्छा, थोड़ा सा देख सकते हैं आप कि किस तरह का लग रहा है। बट इसके अंदर यार एक जैसा ही कलर है, तो ये थोड़ा सा और बेकार सा लग रहा है। बट आप चाहें तो यहाँ पर इसके अंदर बीच में इस तरह का कलर दे सकते हैं, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने पास से कोई करना चाहे तो। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है आई थिंक लोगो जो है रेडी कर लिया है अपना। और उम्मीद है आपको ये वाला जो लोगो हमारा बना है ये बहुत पसंद भी आया होगा, और पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस यार लाजमी अपलोड करता रहता हूँ। तो हाय गाइस, कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई है ना तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सबसे पहले ही मिलेगा यार जब नोटिफिकेशन ऑल पे करोगे, ठीक है। तो कर लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।